हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए स्टार एल्गोरिदम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम सिलेबस की बात करें तो ह्यूरिस्टिक सर्च में या इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है हमारे पास ए स्टार एल्गोरिदम। तो जैसा कि मैंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया कि ए स्टार एल्गोरिदम क्या है, इन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक का पार्ट है। इन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक का मतलब है जहां पे मुझे प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, मतलब मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बारे में, डोमेन के बारे में ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, और उस नॉलेज को हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक, जिसमें हम कहीं ना कहीं गोल स्टेट को अपने माइंड में लेके चलते हैं। और इसके अपोजिट क्या होती है, अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च, जैसे कि हमने DFS और BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च में डिस्कस किया था, जिसमें हमें गोल स्टेट को माइंड में लेके नहीं चलते, हम सिंपली ट्रैवर्स करते हैं, या तो हम ब्रेथ की तरफ ट्रैवर्स करते हैं या फिर डेप्थ की तरफ ट्रैवर्स करते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। हम सिर्फ करंट स्टेट के बारे में जानते हैं, वो करंट स्टेट हमें कहां लेके जा रहा है, कितनी एस्टिमेशन है, क्या ह्यूरिस्टिक है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ह्यूरिस्टिक जो सर्च टेक्निक है या इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है, उसमें जो पहली सर्च टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ए स्टार एल्गोरिदम। सेकेंड पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहता हूं, ए स्टार एल्गोरिदम में ये इक्वेशन हम यूज करते हैं, FN इज इक्वल टू GN प्लस HN। और सही बताऊं तो ए स्टार एल्गोरिदम सारा का सारा, ए स्टार की जो कहानी है वो इस इक्वेशन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। मतलब कहने का कि अगर आपको इक्वेशन क्लियर है, ये पता लग गया, तो आपको एक तरह से ए स्टार का सारा फंडा क्लियर हो गया। तो यहां पे FN मतलब हमें कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू GN प्लस HN। GN क्या, एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू द N, एंड एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम N टू द गोल नोड। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास एक स्टार्ट नोड है और स्टार्ट नोड से हमारे पास गोल स्टेट में जाना है, और गोल स्टेट में जाने के लिए मेरे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं इन बिटवीन। तो इन बिटवीन जो नोड्स हैं, हम उनको बोल दिया, लेट से दिस इज अ लिस्ट ऑफ N नंबर ऑफ नोड्स। तो यहां पे अगर मेरे को S से N जाना है, S से N क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है, उस पाथ की कॉस्ट है जो मुझे एक इंटरमीडिएट नोड जो कि N है उस पे लेके जा रही है, जिसको हम बोलते हैं G ऑफ N। लेकिन वो N नोड कोई भी हो सकती है, ये N नोड मुझे गोल स्टेट पे लेके जा रही है, ये भी मुझे गोल स्टेट पे लेके जा रही है, ये भी मुझे गोल स्टेट पे लेके जा रही है, बाकी की सारी जो मुझे यहां पे लेके जा रही है गोल स्टेट में लेके जा रही है, वो गोल स्टेट में कितनी कॉस्ट में लेके जा रही है उसका एस्टिमेशन, एक्चुअल वैल्यू नहीं, ऑप्टिमल वैल्यू नहीं, उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू या एस्टिमेट वैल्यू। तो इसको हम कई बार ह्यूरिस्टिक वैल्यू को क्या बोल देते हैं, किसी नोड की प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, किसी नोड की आप करैक्टरिस्टिक को भी क्या बोल सकते हो, एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, एक एस्टिमेशन है। वो कहता है कि मैं यहां से यहां इस कॉस्ट में जाता हूं, दिस इज एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन ये मुझे आगे गोल स्टेट में पर्टिकुलर किसी कॉस्ट में लेके जा रही है, दैट इज एस्टिमेट। लेकिन बाद में हम उसको क्या करते हैं, ऑप्टिमल कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या शॉर्टेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई ए स्टार में जो स्टार है उसको हम जनरली बोलते हैं यहां पे, इसका मतलब क्या है, एडमिसिबल। मतलब ए स्टार एक एडमिसिबल एल्गोरिदम है, इसका मतलब क्या है कि गारंटी देता है ये कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं FN इज इक्वल टू GN प्लस HN से। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे आप ग्राफ भी ले सकते हो, ट्री भी। तो जनरली हम डेटा स्ट्रक्चर यहां पे ग्राफ लेते हैं, और मैंने यहां पे डायरेक्टेड लिया, आप ए डायरेक्टेड ग्राफ भी ले सकते हो। तो यहां पे मेरे पास जो स्टार्ट नोड है वो है यहां पे S, S को मैंने नाम दिया स्टार्ट नोड का, और जो G है वो है मेरी गोल स्टेट, मतलब मुझे S से गोल स्टेट में पहुंचना है। तो ये बीच में जो भी है B, C, F, E, D, ये सारी क्या है, N नोड्स हैं, सिंपल सा पॉइंट है। और यहां पे मेरे पास ये क्या दिया हुआ है कि S से B जाने की कॉस्ट है 4, ये है एक्चुअल कॉस्ट, कि मुझे पता है कि S से B अगर जाना है तो 4 कॉस्ट लगेगी। लेकिन ये जो रेड में आपको दिख रहे हैं, ये रेड में क्या है, एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू, मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। और जनरली हम एस्टिमेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, लाइक बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के यूज की हेल्प से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो ये एक प्रॉपर्टी है एक नोड की, कि मेरे पास एस से बी पे जाने की कॉस्ट है 4, मतलब मैं एस से बी जाना तो 4 कॉस्ट है, और बी कह रहा है कि मैं तेरे को एस जी पे ले जाऊंगा, बी एस को बोल रहा है कि मैं तेरे को जी पे ले जाऊंगा विद द कॉस्ट ऑफ 12। लेकिन अगेन ये उसकी एस्टिमेशन वैल्यू है, जिसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे ऑप्टिमल से, या आप कह सकते हो हमें ऑप्टिमल की तरफ जाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस से, तो एस से हमारे पास जो है ऑलरेडी, अगर आप निकालना चाहते हो एफ ऑफ एस, मतलब सबसे पहले आप इस वैल्यू को निकालना चाहते हो एस के लिए, तो हमारे पास जी ऑफ एन, मतलब एस से एस में जाने की कॉस्ट क्या है, एक नोड से उसी पे जाने की कॉस्ट ऑब्वियसली क्या होगी, 0।
प्लस व्हाट इज द HN, HN मतलब उस नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू, दैट इज व्हाट 14. तो आप इसको क्या बोल सकते हो, द कॉस्ट इज व्हाट 14. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे, वैसे भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज मेन हम नेक्स्ट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब एस हमें कहां पे लेके जा रहा है, बी और सी पे. तो आप कैसे मेंशन कर सकते हो, एस से हम कहां पे जा सकते हैं, या तो बी पे, और या हम एस से कहां जा सकते हैं, सी पे. दो तरफ हम यहां पे जा सकते हैं. तो अगर हम एस से बी जाते हैं, लेट्स से अगर मैं एस से बी जाता हूं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एस टू बी, 4, दैट इज अ जी ऑफ एन. ये क्या है, जी, विच इज एक्चुअल कॉस्ट. और बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू, बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमने यहां पे ऐड की, तो ये क्या आ गया, 16. 4 प्लस 12, दैट इज 16. और अगर हम नीचे जा रहे हैं, एस से सी की जो एक्चुअल कॉस्ट है, जी ऑफ एन, वो क्या है, 3, प्लस सी की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, वो क्या दी हुई है, 11. तो 3 प्लस 11, दैट इज व्हाट, 14. तो ऑब्वियसली यहां पे 16 और 14 में से कौन सा कम है, 14. तो यानी मैं कौन सी कॉस्ट पे जाऊंगा, या कौन सी तरफ मूव करूंगा, एस से सी की तरफ मूव करूंगा. तो अब मेरे पास एक तरह से क्या कॉस्ट बन गई, या क्या पाथ बन गया, एस सी, क्योंकि ये कंबाइंड कह सकते हो आप, अब एस सी बन गया. अब एस सी मुझे कहां पे लेके जा रहा है, ई पे लेके जा रहा है, और एस सी मेरे को कहां पे लेके जा रहा है, एस सी से मैं ई पे जा सकता हूं, और एस सी से मैं यहां पे डी पे जा सकता हूं. दो तरफ, मतलब सी से मैं ई पे भी जा सकता हूं, सी से मैं डी पे भी जा सकता हूं. तो आप इसको एस सी बोल सकते हो, क्योंकि हमने एस से सी की ऑलरेडी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एफ ऑफ एन ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज व्हाट, 14. तो मैंने इसको चूज किया. अब हम बात करें अगर एस से, एस सी से ई, मतलब यहां से मुझे ई पे जाना है, तो कॉस्ट क्या हुई, 3 प्लस 10. एस से सी, सी से ई, तो ये क्या हुई, 3 प्लस 10, दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट, प्लस व्हाट इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ई, व्हाट इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ई, ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ई इज 4. तो यानी एक टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 3 प्लस 10 प्लस 4, दैट इज 17. ऐसे ही हम दूसरी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, एस सी से हमें कहां पे लेके जा रही है, डी पे. तो एस से सी की कॉस्ट क्या है, 3, सी से डी की कॉस्ट क्या है, 7. तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 3 प्लस 7, एस सी तो ऑलरेडी 3 है ना, एस सी 3, प्लस D पे हमें जाना है, तो क्या होगी, 3 प्लस 7 इज 10, प्लस D की ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो D की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6. तो ये क्या कॉस्ट होगी, टोटल 7 प्लस 3 10 प्लस 6 16. तो यहां पे कॉस्ट आई एक 17, एक 16. अब यहां पे आपको क्या माइंड में रखना है, कि 16 कॉस्ट यहां भी है, 17 यहां है, दोनों में से मिनिमम क्या है, 16. लेकिन जब हमने एस से बी की तरफ गए थे, वहां पे भी हमारी कॉस्ट क्या आई थी, 16. तो ये भी एक है हमारे माइंड में, और दूसरी ये भी है. तो इन दोनों को ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब दोनों को अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हो. तो इन दोनों को अगर एक्सप्लोर करें हम, तो यहां पर क्या बन गया, एस से बी, मतलब एस बी तो ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि इसकी भी कॉस्ट क्या आई थी, 16, और इसकी भी कॉस्ट हमारे पास क्या आई है, 16 आई है. तो दोनों की कॉस्ट जो है वो क्या है, सिमिलर. तो यहां पे एस बी से हम गए कहां पे, एफ पे, और एस बी से हम कहां पे जा सकते हैं, एस बी से हम कहां जा सकते हैं, ई पे. तो इन दोनों की वैल्यू हम यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं. ध्यान से देखो, एस बी से हम एफ पे भी जा सकते हैं, एस बी से हम ई पे भी जा सकते हैं. तो एस बी की कॉस्ट क्या है, 5, प्लस बी मुझे एफ पे कितने में लेके जा रही है, 4 प्लस 5. तो 4 प्लस 5 प्लस एफ की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू, व्हाट इज एफ ह्यूरिस्टिक वैल्यू, 11. तो टोटल क्या हो गया यहां पे, 9 प्लस 11, दैट इज 20. दिस इज अ पॉइंट, और हम एफ पे पहुंच जाएंगे. देन अगर हम बात करें ई की, तो एस से बी की कॉस्ट क्या है, 4, विच इज ऑलरेडी देयर, और बी से ई की कॉस्ट क्या है, 12, प्लस ई पे पहुंच गए, तो ई की कॉस्ट क्या है, मतलब ई बोल रहा है कि मैं तेरे को जी पे ले जाऊंगा विद द कॉस्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ 4. तो 4 हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये भी क्या आई वैल्यू, 20. दोनों वैल्यू जो है यहां पे क्या आई, 20. तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ज्यादा है. हमारे पास एक और वैल्यू थी यहां पे 16 वाली, कौन सी, ये एस से सी, सी से डी, ये भी क्या आई थी, 16. हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अदर वैल्यूज जो है वो बढ़ी आ रही है. तो अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, तो ये क्या आ गया, एस सी डी, मतलब ये 3 होगी, एस सी डी. अब डी मुझे कहां पे लेके जा रही है, ई पे. एस सी डी और डी मुझे कहां पे लेके जा रही है, ई पे. तो एस सी क्या है, 3, विच इज ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड. मैं अगेन दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूं, बट ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, प्लस 7, क्योंकि ये एस से डी पे जाने की कॉस्ट क्या है, 3 प्लस 7, दैट इज 10, और मुझे डी से ई पे जाना है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, 2.
तो ये वाली जो है एक्चुअल कॉस्ट है, विच इज व्हाट जी ऑफ एन प्लस व्हाट इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ई, दैट इज 4. तो 3 प्लस 7 10, प्लस 2 12, प्लस 4 दैट इज 16. तो यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू आई, 3 प्लस 7 10 12 प्लस 4 16. तो यानी अभी भी मेरे पास जो है 16 इससे कम है, 20 से भी कम है, इस 20 से भी कम है, वो भी मेरे को लेके जा रही है गोल स्टेट पे, लेकिन ऑब्वियसली मैं मिनिमम वाली को चूज करूंगा. मैंने कौन सी चूज की, 16 वाली. तो 16 वाली अगर मैं चूज करता हूं तो 16 वाली, ये इसी को ही हम आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं. पहले एस सी से डी गए थे, अब एस सी डी से हम ई पे चले गए. अब हम नेक्स्ट देखो यहां पे ध्यान से, एस सी डी ई से हम कहां पे जाएंगे, ई देखो हमें कहां पे लेके जा रही है, जी स्टेट पे लेके जा रही है, दैट इज अवर गोल स्टेट. तो एस सी इसको आप, ऑल्दो मैं बार बार कैलकुलेट कर रहा हूं लेकिन आप एक बार में भी कर सकते हो, एस सी क्या बन गई ये 3 प्लस सी से डी 7, तो 7 प्लस 3 10 प्लस 2 दैट इज व्हाट, 10 प्लस 2 इज व्हाट 12, 12 से मैं, अब देखो यहां पे मेरे पास एस सी डी की कॉस्ट तो 12 आ गई. अब डी यहां से, ई से मैं कहां पे जा रहा हूं, जी पे जा रहा हूं. व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट, 5 प्लस जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू, क्योंकि हम हमेशा जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन कैलकुलेट करते हैं, तो जी की मतलब गोल स्टेट की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी. सो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलो कि गोल स्टेट की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या लेते हैं, हम हमेशा जीरो लेते हैं. तो यहां पे मेरे पास आंसर क्या आया, 12 प्लस 5 दैट इज 17. तो ये जो है मेरी मिनिमम वैल्यू आई 17. तो 17 से मैं कहां पहुंच गया, गोल स्टेट पे पहुंच गया. ऑल्दो आप इनको भी एक्सप्लोर करना चाहते हो आगे कर सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी अगर 20-20 ले रही है तो मैक्सिमम आगे भी हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ये ज्यादा वैल्यू ही ले. अगर आप फिर भी एक चेक करना चाहते हो तो यहां पर चेक कर सकते हो. लेट से अगर मैं एस बी एफ, मतलब एस बी एफ, तो क्या होगी कॉस्ट 9. यहां से मैं गया एफ से कहां पे जाऊंगा, मैं जी पे जाऊंगा. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एफ टू जी, 16, 9 प्लस 16, एंड व्हाट इज द गोल ह्यूरिस्टिक वैल्यू, जी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 0. तो ये 9 प्लस 16 आपका आया 25. ऑब्वियसली 25 जो है 17 से बहुत ज्यादा वैल्यू है, और आप कोई भी इसमें फाइंड आउट करोगे तो आपको ये वाली जो वैल्यू है यही आपको ऑप्टिमल वैल्यू पे लेके जाएगी, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे लेके जाएगी. तो यहां पे आंसर क्या है आपका, 17 कॉस्ट जो है उससे हम इस पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हमें गोल स्टेट में पहुंचना है. सो दिस इज हाउ, बहुत ही सिंपल सा फंडा है. अगर आप एक बार इसको और चला के देखोगे, एक बार दोबारा से चेक करोगे, इनकेस नहीं क्लियर हुआ, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. तो यहां पे हम लास्ट पॉइंट यहां पे बात करते हैं, क्योंकि आपको जितना भी मटेरियल मिलेगा ना इसका ऑनलाइन, आपको या तो ग्राफ एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, ग्राफ के साथ साथ जो है हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी डिस्कस करना चाहते हैं. तो थ्योरेटिकल पॉइंट भी हमने डिस्कस किए, ग्राफ भी डिस्कस किया, और एक लास्ट पॉइंट यहां पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताना चाहता हूं. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ए स्टार, जनरली होती है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स प्लस नंबर ऑफ एजेस. वो तो बाय डिफॉल्ट होगी, जितनी नंबर ऑफ नोड्स, आप सारी नोड्स को या मैक्सिमम सारी एजेस को ही ट्रैवर्स करोगे, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते. लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म में इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, वेयर बी इज द ब्रांच फैक्टर. ब्रांच फैक्टर मतलब कितने कितने मेरे पास चिल्ड्रन है, किसी भी पर्टिकुलर नोड के कितने चिल्ड्रन है, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच फैक्टर. और डी यहां पर क्या है, डेप्थ. सो डी की पावर B की पावर D इज what? That इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज also what? B की पावर D, which is same as compared to the time complexity. तो ये algorithm time भी जो है वो B की पावर D ले रही है, और space जो है मतलब कितने space ये cover कर रही है to run this all algorithm, again B की पावर D. This is the maximum value which can be true. So this is all about. लेकिन एक last point यहाँ पे मैं और बताना चाहता हूँ कि जो A star है, A star is admissible, और इसमें जो underestimate और overestimate की हम बात करते हैं, तो underestimate और overestimate मैं next video में explain करूँगा with example, और ये बहुत important point है. तो ये basic हो गया, और underestimate क्या होता है, overestimate कब ये heuristic value देता है, कब नहीं देता, कब optimal देता है, कब नहीं देता, ये हम next video में check करेंगे. So this is all about the basics of A star.